Let's run. जहीन जय श्री राम. Hey guys, welcome back to channel. आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई दोपहर के 1 बजे और अभी मैं नहाकर बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं ड्रोन उड़ाने के लिए. और ये मैं कई दिन से प्लान कर रहा था बट फाइनली आज जा रहा हूँ उड़ाने के लिए. ठंडा बहुत तगड़ा वाला है. अच्छी बात ये है कि अभी बारिश नहीं हो रही है बट हवा में नमी महसूस कर सकता हूँ मैं. बारिश होने लग गई ये तो आई डोंट नो क्या हो रहा है. ये प्लान सक्सेस ही नहीं हो पा रहा हमारा. देख रहे हैं आप कितना भयानक वाला बादल हो रखा है. एकदम भयानक वाला लग रहा है जैसे पूरा तूफान आने वाला है. दिख रहा है ना भयानक भयानक सा. मैं बहुत देर से पिछले 1 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ बट मतलब मौसम साफ़ नहीं हुआ है. मतलब ऐसी हवा हवा थोड़ी चल रही है, बूंदाबांदी हो रही है. और जैसे ही सोच रहा था इधर आने के लिए ना, जैसे अभी देखिए मैं इधर आया हूँ तो बारिश बंद है. बट जैसे ही सोच रहा हूँ ना कि ड्रोन निकालूँ, बैटरी लगाऊँ, ऑन करूँ, कनेक्ट करूँ, तब तक कि बारिश आने लग जा रही है. तो अभी सोच रहा हूँ कि प्लान कैंसिल ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं है. तो 1.5 लाख रुपये फटाक से लॉस हो जाएगा. अभी देखिए बाहर बारिश होने लग गई है. ये एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा बारिश बहुत तेज़ वाली नहीं है बट ये जो बूंदें हैं ना बड़ी वाली होती है. यहाँ पे थोड़ी ही बारिश में ना लगता है कि मतलब पूरा गीला हो गया. बालकनी से दूसरी बालकनी और इधर भी एक दूसरी बालकनी है दूसरे रूम का. ये मेरा 123 है, ये 122 है. तो ये मेरा 123 और बगल में 124 देन 125 अगेन एक बालकनी है. बालकनी नहीं है एक्चुअली, ये मतलब टेरेस ही कहेंगे, ओपन टेरेस है. उसके बाद फिर से एक आई थिंक एक या दो रूम है देन स्टेयर्स आ जाता है. तो चलिए चलते हैं, थोड़ा खाना वाना खा कर आते हैं, थोड़ा भूख लग गई है. सो हियर इट इज 0. लेट्स गो. मेरे पास दाल है तो अभी बस मेरे को चावल बनाना है. तो अभी मेरे पास पहले सिर्फ ये लॉकर हुआ करता 390 बट अभी मेरे पास 380 भी है. तो अभी मेरे पास दो दो लॉकर है. छोटा वाला कहाँ गया? आई थिंक ये सफिशियंट है मेरे लिए. अभी रख दिया, 10 मिनट में ये हो जाएगा. तो तब चलते हैं फ्रिज से अपना दाल निकाल कर ले आते हैं. ये रहा हमारा दाल और इसमें थोड़ा राइस है और दाल दोनों है. तो इसको फ्रेश वाले साथ थोड़ा गर्म कर देंगे और इसमें दाल है तो थोड़ा रख देते हैं, नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर. उसके बाद ओवन डालेंगे क्योंकि अचानक ठंडा और गर्म करना सही नहीं है. फ्रेंड्स अभी शाम के 5 बज गए हैं और वो जो हॉन्टेड वाला एरिया था ना, जो सीढ़ी वाला सीन था, वो मैं आपको दिखाता हूँ. ये वाला एरिया, इसके अंदर मैं कभी गया नहीं और हमेशा जाने की प्लान करता था, मतलब किसी के साथ जाऊँ किसी के साथ जाऊँगा. सो हेयर इज़ माय फ्रेंड के साथ मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, देखने क्योंकि कुछ होगा तो मैं अकेले नहीं रहूँगा, इनके साथ भी होएगा. और साथ में ये देखो गोप्रो भी लिया हुआ है, पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड करेंगे. सो फ्रेंड्स ये अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. हमें पता नहीं कैसा, इधर देखिए पूरा का पूरा जंगल है और इधर भी पूरा जंगल जैसा, ये पहाड़ जंगल. और हमें पता नहीं कैसा है, ये पूरा फील आ रही है ना हॉरर वाली. आगे देखिए पूरा स्लोप ऊपर की तरफ गया हुआ है. ये देखिए पूरा झाड़ी है, पहाड़ है. ये देखिए नीचे हाल है और इस साइड में ऊंचा पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई. पहाड़ है, थोड़ा पहाड़ का पार्ट है, झाड़ियाँ हैं. और लास्ट में जो आया था सिर्फ यहाँ तक आया था और क्योंकि ये देखिए यहाँ से नज़दीक है और इसके आगे कभी मैं गया ही नहीं और आज मैं जा रहा हूँ. और ये देखिए छोटे कैमरे तो पूरा रिकॉर्ड कर रही है. नो इट्स ऑन, इट्स ऑन. डेबल्स देयर सो व्हाट विल हैपन, कम हियर लाइक इट्स. ये दूसरे बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली. सो ओके इस समवन लिविंग, नो इट्स बिल्डिंग, आई थिंक समवन इट्स अ रेजिडेंस. Okay, I think no one is here because you know this place are dirty, a little bit dirty. Yeah. So
और यहाँ का माहौल देखकर तो नहीं लग रहा कि यहाँ कोई रहता भी है, क्योंकि ये पूरा शांत पड़ा हुआ है बिल्डिंग। और जो फूल पत्ते हैं ना, पत्ते झाड़ी टाइप का, देखकर लग रहा कोई रहता नहीं, क्योंकि अगर कोई रहता तो ये हमेशा क्लीन किया जाता है यहाँ पर, बट ये क्लीन नहीं है, इसका मतलब कोई यहाँ पर है नहीं। और ये पीछे पूरा पहाड़ है। Is this a horror place? What do you think? At night for sure. We can go this way. Let's explore what is that way. फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं और ये एक नया कंपाउंड है। वो जो रास्ता था ना, वो यहाँ एंटर कर दिया हमें। और ये पूरा बिल्डिंग जो है पूरा ब्लॉक है, मतलब कोई है नहीं, बट जस्ट उसे हम लोग आ गए हैं। और ये देखिए चारों तरफ कुछ है नहीं, पूरी सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग है। और एक यहाँ से एक रास्ता इधर की तरफ निकल रहा है, ऐसे ही कच्चा रास्ता टाइप का है। ये टिकतर जैसे ये बना हुआ है ना, ऐसा ही है, बट आई डोंट नो ये कहाँ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। हालांकि इधर लोगों ने मेरे को बताया था कि जो जर्मन शेफर्ड डॉग होते हैं, हम अपने यहाँ पालते हैं ना, ये जंगली यहाँ होते हैं, तो उसमें थोड़ा सेफ होना पड़ता है, बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इधर से पक्षी होता है जो बंदर की तरह आवाज़ करता है, तो उस तरीके का आवाज़ आ रहा है। वही देखिए, यहाँ फूल उल है थोड़ा, कि पूरा अबेंडन प्लेस है, कोई रहता नहीं है। और आई डोंट नो ये रास्ता कहाँ निकलेगा, ये इस साइड और ये एक रास्ता इधर जा रहा है। और ये पूरा बाउंड्री है, ये पूरा क्या बोलते हैं उसे, पहाड़ है। और ये बाउंड्री बनाकर इसको रखा गया ताकि पत्थर गिरे इधर ना आए। ये देखिए पूरा ये है, कुछ भी नहीं, कोई एक इंसान नहीं दिख रहा है यहाँ पर, खाली हम दोनों ही हैं। सो ये देखिए इधर से आवाज़ें भी आने लग गई हैं, बस कोई जानवर से सामना न पड़े। बाकी भूत प्रेत को तो महादेव जी देख ही लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। डर लग रहा है थोड़ा फ्रेंड्स अभी यहाँ पर बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर ना किसी ने, ये कोई जानवर, ये पत्थर मारा हुआ है। आई डोंट नो क्या है पत्थर, समवन लाइक पेल्टेड स्टोन ऑन दिस और लाइक सम एनिमल्स अटैक्ड ऑन दिस। तो फाइनली आज एक हमने नया रास्ता आविष्कार कर दिया, आविष्कार नहीं खोज का, पहले से ही था बस उसको खोज लिया। ये देखिए इधर से ये है और ये है, इस साइड में आया था। और ये जो बिल्डिंग है ना, ये इसके बैक साइड में अबेंडेंट पड़ी हुई है, कोई है नहीं, आई डोंट नो क्या रीज़न। ये होटल वो भी है, बट कई बार होता है ना, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं होटल्स में, कहानियाँ किससे हम सुने होते हैं जिसकी वजह से होटल्स को बंद करना पड़ता है। तो आई डोंट नो क्या कहानी उसके पीछे, पता करना पड़ेगा, क्योंकि देख कर लग रहा कुछ ना कुछ कांड जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से वो बंद पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी बारिश होने लगी है तो कैमरा छुपा कर मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और चलिए चलते हैं, भागते हैं, अगर अपने रूम तक हम पहुँच पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज इधर ही कहीं हमारा जो हाउसेस बने हुए हैं स्पोर्ट्स के, उसके अंदर ही छुप जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी है और अभी यहाँ से हम लोग भाग रहे हैं। लेट्स रन। कैमरा अचानक तेज बारिश होने लगी, हमें लगा कि ठीक हो जाएगा। Take care, bye bye, Jai Hind, Jai Sri Ram. Jai Sri Ram.